नमस्कार दोस्तों, एकेडमी कार्के मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो क्लास होगी हम लोगों की बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। देखिए, हम संविधान संशोधन की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान में अब तक 104 बार संशोधन हो चुका है, और यदि हम संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की बात किया गया है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, और यह भाग भारतीय संविधान के भाग 20 में इसका उल्लेख है। इसके बाद प्रथम संविधान संशोधन की बात करें, यदि हम प्रथम संविधान संशोधन की, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 9 को जोड़ा गया, अनुसूची 9 का निर्माण हुआ। और अनुसूची 9 जो है इसका संबंध भूमि सुधार से है, भूमि सुधार से अनुसूची 9 का संबंध है, और इसका प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में हुआ था। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कर एक्ट, जैसे देखिए मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या थी 8 थी, और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। जो वर्तमान संविधान है इसमें अनुसूचियों की संख्या 12 है, और मूल संविधान जो था, उसमें अनुसूचियों की संख्या 8 थी। इसके बाद हम देखेंगे सातवां संविधान संशोधन। की हम बात करें तो इसका जो संशोधन हुआ था, सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, और सातवां संविधान संशोधन का जो संबंध है राज्य पुनर्गठन आयोग से है। राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें तो यह आयोग जो था फजल अली कमीशन की अध्यक्षता में बनाया गया था। सातवां संविधान संशोधन के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया, और यह जो आयोग था फजल अली कमीशन की अध्यक्षता में बनाया गया था। इस समय जब सातवां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, तो इस समय भारत में 14 राज्य थे तथा छः केंद्रशासित प्रदेश थे और 14 राज्य थे। यदि 1956 की बात करें तो इसी समय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का गठन हुआ था। इसके बाद देखिए, इसमें अगला है 13वां संविधान संशोधन हम देखेंगे। तो 13वां संविधान संशोधन जो था 1962 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा जो था नागालैंड जो राज्य है उसको राज्य का दर्जा दिया गया था, और इसके बाद बात करेंगे हम 21वां संविधान संशोधन की। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, और 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ, और यह क्या था, इस संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा जो थी सिंधी भाषा जो थी उसको 15वें नंबर पर जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को। तो मूल संविधान में 14 भाषा थी पहले, और वर्तमान में जो संविधान है इसमें क्या है, 22 भाषा है, वर्तमान संविधान में 22 भाषा है। और इसके बाद देखेंगे हम 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और 1976 में हुआ था मगर इसको लागू कब किया गया था, 1977 में लागू किया गया था। जो 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा इस जो प्रस्तावना है इसमें पंथ निरपेक्षता, समाजवाद तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। देखिए 42वां संविधान संशोधन जो था 1976 में जो हुआ था, इस संविधान संशोधन से संविधान में भाग 4A जोड़ा गया, और भाग 4A जो है ये मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। मौलिक कर्तव्य का जो है इस समय भारतीय संविधान के 51A अनुच्छेद 51A में वर्णित है, यानी उनका उल्लेख 51A में है। और मूल संविधान में देखा जाए यदि तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, और वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, उसको आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे 44वां संविधान संशोधन की। तो 44वां संविधान संशोधन जो था 1978 में हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री जो थे भारत के मोरारजी देसाई थे, और 44वां संविधान संशोधन जो है, 44वां संविधान संशोधन है 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार में बना दिया गया। जो 44वां संविधान संशोधन था 1978 में हुआ था, इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार इसको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी से हटा दिया गया, और इसको क्या किया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। और संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 31 में था,
जो संपत्ति का अधिकार था जिसको मौलिक कर्तव्यों से हटाकर विधिक अधिकार में डाला गया, तो मौलिक संपत्ति के अधिकार को जो था अनुच्छेद 31 में था, इसको 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटाकर अनुच्छेद 31 से निकाल कर और अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया। अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया। देखिए 52वां संविधान संशोधन की बात करें हम, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। इसके द्वारा अनुसूची 10 जोड़ी गई, यानी 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। और इसमें जो दल बदल कानून आया था इसका विरोध किया गया, इसमें दल बदल कानून के विरोध से संबंधित बातें कही गई थी। और इस कानून का उद्देश्य क्या था, जो दल बदल कानून था इसका उद्देश्य था अस्थायी सरकार का निर्माण करना, अस्थायी सरकार का निर्माण करना था। और 52वां संविधान संशोधन द्वारा जो अनुसूची 10 जोड़ी गई इसमें दल बदल कानून जो था इसका विरोध करना था, मतलब इसका विरोध कानून था 10वीं अनुसूची में। इसके बाद बात करें 61वां संविधान संशोधन की, 61वां संविधान संशोधन की बात करें यदि हम, तो 1989 में हुआ था 61वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा अनुच्छेद 326 जो था इसमें संशोधन किया गया, अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। और इसके द्वारा क्या किया गया कि मत देने की जो आयु थी 21 वर्ष पहले थी उसको हटाकर क्या किया गया 18 वर्ष कर दिया गया, कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष का होगा जो भी वह क्या करेगा मत देने का अधिकार रखेगा, उसके पास मत देने का अधिकार होगा, वह मत दे सकेगा। इसके बाद बात करें हम 71वां संविधान संशोधन की, तो 1992 में हुआ था। और 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी थी जिसको शॉर्ट में नमक कहते हैं, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। जैसे नेपाली भाषा 16वीं भाषा थी संविधान में जोड़ी गई, और मणिपुरी जो भाषा थी ये 17वीं भाषा थी, और कोंकणी जो भाषा थी यह क्या थी 18वीं भाषा थी। इसको 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। बात करें यदि हम यहाँ पे 52वां संविधान संशोधन की, तो इसके बाद आता है 73वें संविधान संशोधन की बात करें, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। और इसको लागू 24 अप्रैल 1993 को किया गया, यानी 2492 में 73वां संविधान संशोधन हुआ, मगर पूर्ण रूप से इसको लागू 24 अप्रैल 1993 में किया गया था। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसका संबंध ग्रामीण क्षेत्रीय शासन से है, ग्रामीण क्षेत्रीय शासन से है, इसमें पंचायती राज आता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 11 को संविधान में जोड़ा गया, इसमें कुल 29 विषय थे। और ये क्या है, अनुसूची 11 को जोड़ा गया जिसमें पंचायती राज का गठन किया गया 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।